हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक मिनटों में बनने वाली एक ऐसी रेसिपी जो आपके बच्चे लंच बॉक्स में ले जाना भी पसंद करेंगे और खाना भी पसंद करेंगे और दोबारा बनाने को बोलेंगे। ये रेसिपी मैं बना रही हूँ। मैंने इसमें ग्रेवी तैयार की है। आप बॉयल आलू को कट करके रख लिया है और सोया बड़ी को सोख करके पानी में सोख होने के लिए रख दिया 5-10 मिनट के लिए, और सारी सोख हो गई, इनको निकाल लिया प्लेट में। और ये ग्रेवी मैंने तैयार की है। लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और उसी में काली मिर्च के दाने भी ऐड कर दिए थे, और थोड़ा दही जब मैंने इसकी ग्रेवी बनाई थी, और मसाले मैंने इसको ग्रेवी बनाते समय ऐड कर दिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया। और आप देख सकते हैं इसमें आप कोई भी शाही पनीर वगैरह का मसाला अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सोया बड़ी की सब्ज़ी है पनीर की तरह ही लगती है। और इसको बहुत इसको हमें स्टिर करते रहना है जिससे दही फटे नहीं, और जब इस तरह से बॉईल होने लगे, उबाल आने लगे, तब हमें सोया बड़ी और आलू को जो हमने कट करके रखा है उसको हम इसमें कढ़ाई में ऐड कर देंगे ग्रेवी के साथ। और अभी हम देखिए हम चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक होने लगी है। तो इस तरह आप इसको थिक रखना चाहते हैं या और ज़्यादा इसको रसम की तरह, मतलब और पतला थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके बच्चे किस तरह से खाना पसंद करते हैं। लेकिन लंच बॉक्स में आप इस तरह की ग्रेवी नहीं बनाएं, क्योंकि बाद में आप इसको थोड़ा ग्रेवी बना सके। मैंने इस ग्राइंडर में इसको ग्रेवी तैयार की, और ये देखिए मैंने बॉयल आलू और सोया बड़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये इतनी झटपट बन जाती है मिनटों में, क्योंकि आलू हमने बॉयल करके रखे थे, तो आपको मॉर्निंग का लंच बॉक्स बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरह से हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि सोया बड़ी पानी बहुत सोखती है, तो सारी ग्रेवी एकदम बहुत ज़्यादा सूखा सूखा भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि ग्रेवी उसमें हो रहे, क्योंकि मेरे बेटे को तो ग्रेवी में ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए लंच बॉक्स में ये ग्रेवी वाले सोया बड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई, और ये मिनटों में बन के तैयार हो गई। और इस तरह से आप भी, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और फॉलो करते रहें होम मेकर आशा शर्मा को, जिससे आप ही के लिए मैं नई नई इस तरह की लंच बॉक्स रेसिपी लाती रहूँगी। अब मैंने थोड़ा ग्रेवी में नमक ऐड कर लिया था, थोड़ा सा नमक मैं ऊपर से ऐड करूँगी। स्वाद के अनुसार आप नमक कम या ज़्यादा रख सकते हैं जैसा आप खाते हैं। और फिर मैं हमेशा अपने बेटे को ही नमक चेक कराती हूँ। ये देखिए मैंने किचन को कितना डेकोरेट किया हुआ है मनी प्लांट से, और मैं इसी तरह से एक कॉर्नर में ये स्टैंड मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो मैं इस तरह से किचन को उतने साफ़ सुथरा एक तो नाइट में ही कर देती हूँ, फिर मॉर्निंग में उठकर भी अपने किचन को पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही मैं उनका लंच बॉक्स बनाती हूँ। तो इस तरह से आप भी बनाएं, खाएं, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अभी इसको बनाकर देखें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी लंच बॉक्स के लिए। इसमें भरपूर प्रोटीन है बच्चों के लिए, और आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। तो आप भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटो और खुश रहो, यही होना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने हमें मानव बनाया है, तो हमारे अंदर हमें कुछ क्वालिटी देकर भेजा है, तो उसे खुद दूसरों के साथ शेयर करें। और जो हमारी कोई क्वालिटी अगर किसी के काम आ सकती है तो इससे अच्छी बात नहीं है। देखिए अब इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है, और ये सोया बड़ी ने सारा पानी सोख लिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। नहीं बाकी आपको मैं दिखा देती हूँ ये ग्रेवी के साथ ये कितना अच्छा लग रहा है। आलू हमारा गल गया है, आलू हमने कट करके देख लिया है, सोया बड़ी भी चेक कर लेते हैं, वो भी गल गई है। अब थोड़ा सा इसको हमने एक बार और थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे, और फिर हम मैं इसकी दिखाती हूँ आपको ग्रेवी किस तरह से तैयार होती है। तो ये बहुत ही यम्मी लगती है बच्चों को, और इतनी हेल्दी वेजिटेबल है कि बच्चे आपके दोबारा बनाने को बोलेंगे, और बहुत झटपट बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही उनके बाल, नाखून और स्किन के लिए वर्क करता है प्रोटीन, और खाने को डाइजेस्ट करने का काम भी करता है प्रोटीन, और एक्टिव रहती है उनकी बॉडी बच्चों की। आपके बच्चों में आलस आता है, नींद आती है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यम्मी। इस तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और मेरे चैनल